अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। इस देश में तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब सच्चे मन से एक शिक्षक ने अपने छात्रों को शिक्षा दी है, तब तब हमें समाज में स्वर्गीय अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत और समाज सेवी और आदर्श व्यक्ति मिले हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम मध्य प्रदेश के एक बेहद होनहार शिक्षक का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना से डरे बिना गाँव में शिक्षा की अलग जगाई। वो स्कूटी पर ही अपना चलता फिरता विद्यालय समेट कर चौतरा और चबूतरा क्लास लगाते रहे और बच्चों को शिक्षा देते रहे। वार्षिक हमारी जैसी परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा वो एक बार होती है, जो वर्ष में एक बार होती है। जो लायक नहीं जो खोज करता है प्रतिदिन योग करते हैं। क्या करते हैं? योग। ऐसे दोनों हाथ करिए जी। अब इसमें से तीन फूल निकाल लीजिए, इतना तीन, अरे नहीं तीन फूल निकाल लो। कितने बचे टोटल? वो टोटल कितने बचे? उस साइड वाले कितने बचे? वो रखे हैं जो उनको कहना कितने? पाँच। तो आठ में से तीन गए तो कितने बचे? E, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O। उसके आगे और भी अपन लिख सकते हो क्या? उन्हें कई प्रकार के सम्मान भी मिले। सागर के रिछोड़ा प्राथमिक शाला में पदस्थ चंद्रहास श्रीवास्तव जैसे बेहतरीन शिक्षक स्कूटी पर सवार होकर कई महीनों से स्कूल से दूर हुए छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। वो गांव के एक चबूतरे खेत खलियान में कोई भी बच्चे को पढ़ाने में जुट जाते हैं। ग्रीन बोर्ड लगाकर वो बच्चों को हर चीज़ समझाते हैं, साथ में बच्चों को कविता कहानी और गीत की पुस्तकें भी देते हैं। सर, मैंने कोरोना काल में अगर दो बच्चों के स्कूल बंद होने के कारण मैंने स्वयं की स्कूटी पर एक चलता फिरता विद्यालय बनाया और उस विद्यालय के माध्यम से मैं बच्चों को घर घर शिक्षा दे रहा हूँ। जहाँ अगर एक बच्चा मिल जाता तो मैं एक बच्चे को ही पढ़ाने लगता हूँ। शहर शहर और गाँव गाँव आस पास के लगभग 15-20 गाँव में मैंने वहाँ भी पढ़ाया और यहाँ सागर में भी कैंट है, मोती नगर, पंत नगर, सागर। उन गरीब बच्चों के लिए हमने फोकस बनाया थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप मेरी स्कूटी ले जाइए और इस पर कुछ नवाचार बनाइए। तो मैंने एक नवाचार प्रयोग किया, एक चलता फिरता विद्यालय बनाया। उसके अंदर सब कबाड़े के जो सामान था लुआ हुआ उसे एकत्र करके उसको एक विद्यालय का स्वरूप दे दिया। उसने एक साइड ग्रीन बोर्ड और एक साइड बुकें रखी हैं। तो हम इस प्रकार बच्चों को 2 साल से पढ़ा रहे हैं। चंद्रहास बताते हैं कि लॉकडाउन में जब सब बंद था, दुकानें, सड़क और स्कूल सब बंद था, तो उनके मन में ख्याल आया कि अगर स्कूल बंद रहेंगे तो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से काफ़ी दूर हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने मास्क अपने साथ लिए और गांव में सोशल डिस्टेंस के अनुसार चलता फिरता विद्यालय खोल दिया। स्कूटी पर ही उनका विद्यालय रहता था। वो अभी तक 1500 बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे चुके हैं। हम इस नौजवान शिक्षक के जज्बातों को सलाम करते हुए उन्हें शिक्षक दिवस पर प्रणाम करते हैं। वसीम कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।